हेलो फ्रेंड नमस्कार, ओडिया देसी किचन को आपण मानक स्वागत। आज मु आपण मान सहित शेयर करने को जाऊँ कदमी भंडार गोटे हेल्दी रेसीपी। ए कदमी भंडार आमको बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट मिलता है। चलत ए रेसीपीटी को स्टार्ट कर नवा। प्रथम मुझे गोटे कदमी भंडा नहीं कदमी भंडा को मुझे छड़े नेबी से हाथ में टी तेल लगे कदमी भंडार पाखुड़ा बाहर कर तार फूल को सब बाहर कर फूलर आम तरकारी प्रस्तुत करवा से सब पाखुड़ा को छड़े तार सब फूल को मुझे बाहर कर कदमी भंडा छड़ेवा पूर्व हाथ में निश्चित तेल लगातु। तेल लगे आम हाथ आउ कला पड़े हाथ जिते क्लीन करेंगे ता भल भाव क्लीन हो। कदमी भंडा रेसीपी को घर थे निश्चित ट्राए करूँ। ये कदमी भंडा टी आम डायबेटिस लोकों पर बहुत उपकारी होता है। यह डायबिटीज कंट्रोल करता है। ए बहुत आयरन मिलता है। देखो मुझे सब कदमी फूल को छड़े नहीं कदमी फूल को मुझे बाछी ने एबे चलंतु देखिबा कदळी फूल को आमे केमिति बाछिबा। देखिपारथिबे कदळी फूलर मझिरे केमिति गोटे बड़ केसर अछि से केसरटी को बाहर करनौछि। ता तळे थिबा एमिति गोटे प्लास्टिक टाइप रो पाखुडा अछि सेटा को भी बाहर करनौछि। कदळी फूलर मझिरे थिबा टाणुआ केसरटी को बाहर करबा द्वारा कदळी फूल आमर जम्मा भी कसा लागि नथाय। एमिति प्लास्टिक टाइप रो पाखुडा को बाहर करबा द्वारा कदळी फूल आमर बहुत बढ़िया भाव सीझी जाइथाय। भल भाव सीझा द्वारा आमर डाइजेशन भी भल होइथाय। कदळी फूलटी को बाछिबा पई टिके टाइम लगी था ना कदमी फूलटी खाइबापी जी टेस्टी देहपाई बहुत उपकारी। कदमी भंडार लास्ट पार्ट रु बाहरी छोट छोट फूल गुड़िकु आम कि भी बाहरी न था सेमती काटने देखु सब फूल गुड़िक बाछी नहीं सब फूल गुड़ को मुझे छोट छोट कर देखो सेम प्रोसेस रे मुझे सब फूल गुड़िक छोट छोट कर देखु। मीडियम साइज रो चारिटी आलू को मुझे छोट छोट पीस कर एबे काटिक रखा कदमी फूल को मुझे सीझे नेबी से गैस रोटे प्यान बसई से दुई ग्लास पानी दे दौची। एबे से गोटे चमच लुण पकई नौ गोटे चमच हलदी गुंड पकई नौ एबे से हलदी लुण पानी रे कदमी फूल को दे कदमी फूल को कभर कर पाँच रु सात मिनिट पर सीझे नेबी। कदमी भंडार फूलटी सीझा भितर मसला प्रस्तुत करने से गोटे ब्लेंडिंग जार नहीं गोटे पियाज कटा दे दौर हाफ इंच अदा को काटि नहीं अदा कटा दे दौर दुईटी कंचा लंका दे दौर आठ दस कला रसुण दे दौर गोटे टमाटो कटा दे दौर चारि पांचटी सुखिला लंका पकई नौ आपण को जी राग पसंद आपई अनुसार लंका यूज करूँ। एवं दुईटी अलैच आ छोट खंडे डालचीनी पकई नौ एबे से गोटे चामच पान मधुरी पकई नौ चारिटी काजू पकई नौ आपण चाहिए काजू को स्किप कर पारती कि काजू पकाइले तरकार टेस्ट बहुत बढ़ी जाए। एवं से अल्प पा दे यही सब मसलार गोटे फाइन पेस्ट बनने एबे देखु मसला पेस्ट आम के बढ़िया भाव बनी जाए तरकारी सैड को रखने एवं देखते कदमी फूल को सीझेबार पाँच रु सात मिनिट हो देखिपे कदमी फूल आम के बढ़िया भाव सीझी जा कदमी फूल रू आम जतक कषा पा बाहरी जाए। कदमी फूल को मुझे भल भाव गोटे प्लेट कु छाणी नौ देखते मुझे सब कदमी फूल को भल भाव छाणी नहीं गैस गोटे प्यान बसई से चारि चामच सोरस तेल आड कर एबे ए तेल को टिके गरम हाँ छाड़देवि देखिपे तेल आम टे गरम हो गला एबे से गोटे चामच जीरा पकई नौ जीरा आमर टे तेल फुटिगला एबे से काटिक रखी आलु दे दौची। एबे से आलु रे स्वाद अनुसार हाफ चमच लुण दे दौची हाफ चमच हलदी गुंड दे दौची। एबे लुण आ हलदी गुंड को आलु सहित भल भाव मिक्स कर दुई मिनिट पर कभर कर सीझे नेबी। दुई मिनिट पर कभर बाहर कर आलू को टिके भल भाव गोल आलु आमर भल भाव भाजीला पर्यटन एमती गोल गोल भाजी चली देखिपे आलू गुड़ी को आमर कलर चेंज कर भल भाव भाजी गला आलु गुड़ी को मुझे गोटे बाउल को बाहर कर आलु भाजी सारापर प्यान रे किसी तेल बली पड़ी से तेल में गोटे पियाज कटा पकई नौ एबे पियाज को तेल रे भल भाव भाजी नेबी जेपर्यंत पियाज आमर गोल्डन ब्राउन न होई छि से पर्यंत पियाज को भाजी चली थिबी।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ଆମର ଭଲ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲା ପେଷ୍ଟଟି ଆଡ଼ କରି ନେଉଛି। ଏହି ମସଲା ପେଷ୍ଟଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ପିଆଜ ସହିତ ମିକ୍ସ କରି ଏହି ମସଲାଟିକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବି। ମସଲାକୁ 2 ମିନିଟ୍ କଷି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ 1/2 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେଉଛି। 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେଉଛି। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇ ନେଉଛି। ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ଲୁଣର ପରିମାଣ ଆପଣ ଦେଖିକି ପକାଇବେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଭଜା ଆଳୁରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି, ଆମର କଦଳୀ ଫୁଲ ସିଝେଇଲା ବେଳେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୁଣକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ପକାନ୍ତୁ। ଏବେ ମସଲାରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାର ସାଇଡ଼୍ରୁ କେମିତି ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ମସଲାରୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ଆଳୁକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଷି ନେବି। ଆଳୁ ଆମର ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା କଦଳୀ ଫୁଲକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ଏଇ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାର ଫୁଲକୁ ମସଲା ଓ ଆଳୁ ସହିତ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବି। ଏହିସବୁକୁ 2 ମିନିଟ୍ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଏହି କଦଳୀ ଫୁଲ ଆମର ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିବା ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରିନେବି। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର୍ ବାହାର କରି ସବୁକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାର ଫୁଲଟି ଆମର ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆଡ଼ କରି ନେଉଛି। ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ତରକାରୀକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରି ଛାଡ଼ିଦେବି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡା ତରକାରୀରୁ ଆମର ସବୁ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି। ଭଣ୍ଡା ତରକାରୀରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆଳୁଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ଏବେ ସିଝିଯାଇଛି। ଭଣ୍ଡା ତରକାରୀରୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି। ଏବେ ଆମର ସୁପର୍ ଟେଷ୍ଟି କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାର ତରକାରୀଟି ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହି ସୁପର୍ ଟେଷ୍ଟି କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାର ତରକାରୀକୁ ମୁଁ ପରଷି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥରେ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାର ତରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପିଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।